हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। सबसे पहले ये बताइए बेटा कि आज आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा? ड्राइंग का सबका पेपर रहा होगा, सबका पेपर कैसा रहा ये बताइए। बहुत बच्चों का ड्राइंग तो कुछ है नहीं, बहुत अच्छा पेपर गया होगा, है ना। अब कल क्या है, कल आप लोगों का लास्ट पेपर है और लास्ट पेपर आप लोग पूरी एनर्जी के साथ दीजिएगा, ठीक है, पूरे जी जान लगा के दीजिए, क्योंकि एसएसटी में बहुत अच्छा नंबर आप लोगों को स्कोर करना है। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। इसलिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए आप लोग के सपने कभी अधूरे नहीं रहेंगे। सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने वाले हैं। तो बेटा कल की क्लास जो है, सॉरी, कल का जो पेपर है आप लोग बहुत अच्छा करना, और आई होप आप लोगों को कोई भी अभी तक डाउट नहीं होंगे, ठीक है। आज की क्लास में पूरे जितने भी एसएसटी के पूरे कंप्लीट कोर्स है, लॉन्ग शॉर्ट, एमसीक्यू, मैप, आज की क्लास में सारे चीजें आप लोगों को करवाई जाएंगी। इसलिए आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आज की क्लास अटेंड करो। आपके पूरे 70 स्कोर होंगे, ठीक है, कहीं नहीं गया है। और मैप, मैप के तो डाउट इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि 10 नंबर आपका मैप का है तो वो फ्री में मिलना है आप लोगों को, ठीक है, फ्री में मिलना है। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये चारों सेक्शन से ये क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? तो 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतकारी क्या है, घटना थी। इस क्रांति के कारण लुई 16वें का क्या हुआ, वंशानुगत शासन फ्रांस से समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसके क्या कारण थे देखते हैं, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ठीक है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोग पूरी तरह से फ्री नहीं थे, उनको मतलब हर समय बाउंडेशन बना रहता था, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। आगे है मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, इन सभी को शामिल किया गया था। आगे देखते हैं अयोग्य शासक, जो लुई 16वां था, ठीक है, लुई 16वां जो था बेटा, वो ये एक अयोग्य शासक था, वो योग्य नहीं था, मतलब वो प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, उसका जो ध्यान था वो प्रजा की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहता था। दार्शनिकों का प्रभाव, फ्रांस के दार्शनिकों ने प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की त्रुटियों तथा फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से लोगों को परिचित कराया, ठीक है। फिर है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रारंभ किए गए उपायों और कार्यों का विश्लेषण कीजिए, कि उनके द्वारा कौन से कार्य किए गए, उनके द्वारा कौन से विश्लेषण किए गए, यहां पर बताना है। एक बात और याद रखना बेटा कि एसएसटी में क्वेश्चन को कभी कभी घुमा देता है, ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमाएगा तो क्वेश्चन ही घूमे, आप लोग मत घूम जाना, ठीक है, बस उससे रिलेटेड थोड़ी चीजें आप लोग जैसे पढ़े रहोगे तो ध्यान पे रहेगा, उसको लिख लेना। ये नहीं कि क्वेश्चन घूम रहा है तो उसके पीछे पीछे आप लोग भी घूम रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर करके पूछता है लेकिन आंसर सेम ही होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। लुई 16वां कैसा राजा था, लुई 16वां जो है वो एक निरंकुश राजा था, वो प्रजा के हित के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था, ठीक है, वह बस अपने ऐशो आराम के बारे में ही सोचता था, वो प्रजा के हित के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता था। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली, मतलब एक क्या किया गया था, एक तिरंगा झंडा भी चुना गया,
नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई, ठीक है, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ये सारी चीजें किसके नाम पर हुई? ये सारी चीजें राष्ट्र के नाम पर हुई। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए क्या किए, समान कानून बनाए, जो सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाया गया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है चंपारण आंदोलन, दूसरा है खेड़ा आंदोलन। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। कब वापस लौटे थे बेटा? 1915 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया। दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया गया था। तो चंपारण आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया। उसके बाद है असहयोग आंदोलन। ये सारे आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर, ठीक है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। फिर आ गया सत्याग्रह आरंभ करके, सत्याग्रह को आरंभ करके, सत्याग्रह को आरंभ किए। गांधी जी को इसका बहुत लाभ मिला क्योंकि सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करना, सत्य के राह पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना, ताकि इससे क्या हो जाए, इससे ये हो जाए कि मतलब गांधी जी ने कहा अगर हम सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं तो फिर हमें किसी अस्त्र शस्त्र मतलब हमें अस्त्र शस्त्र जो है चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अस्त्र शस्त्र को चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता पर भी वो पूरा ध्यान दिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखी है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष क्या किया था, को जन्म दे दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की पूरी तरह से भारत छोड़ने पर ही जोर दिया। मतलब बच्चे, बूढ़े, मतलब सारे महिलाएं, सभी लोग, मतलब हर जगह से बस एक ही नारा होता था, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, कि अंग्रेजों को यहां से भगा देना है, यहां से इतना उनको परेशान करना है कि वो आखिर में भारत छोड़ के चले जाएं। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो के आह्वान से देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, मतलब लोगों को इतना उमंग, अंदर से इतनी जोश आ गई कि वो लोग खुद ही उस आंदोलन में कूदते गए। क्योंकि अंग्रेजों की बेटा, जैसा कि आप लोग भी जानते हो, सुने भी हो स्टोरी, ठीक है, कि अंग्रेज इतना ज्यादा परेशान कर दिए थे लोगों को कि हर कोई यही सोचता था कि अंग्रेज यहां से भाग जाए ना, अंग्रेज यहां से चले जाएं। इसलिए हर कोई इतना परेशान हो गया था कि हर कोई बस खाली उन्हीं को क्या करना चाहता था कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, यही आंदोलन का नारा लगाया। और लास्ट में ऐसा हुआ कि अंग्रेज इतने उब गए कि वो भारत छोड़ के चले भी गए। निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। बेटा ये देखिए 5 क्वेश्चन है यहाँ, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो ब्रिटेन की जनसंख्या 18वीं सदी के अंतिम दशक में तेजी से बढ़ने लगी। कहाँ की? ब्रिटेन की, ठीक है। ब्रिटेन की जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। इसके प्रभाव से ब्रिटेन में भोजन की मांग बढ़ गई, भोजन की मांग बढ़ती गई। फलस्वरूप भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने कॉर्न के आयात पर पूरी तरह क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। जिस कानून के माध्यम से सरकार ने कार्य के आयात पर प्रतिबंध लगाया उसे कॉर्न लॉ कहा गया। मतलब कॉर्न मतलब होता मक्का, ठीक है, मक्के का कानून। उसके आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया उसको बोलते हैं कॉर्न लॉ, ठीक है, उसे कहा गया कॉर्न लॉ। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान होकर देश के उद्योगपतियों और शहरी नागरिकों ने सरकार को इस बात के लिए विवश किया, सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वे कॉर्न लॉ को तत्काल निरस्त कर दे, ठीक है, उसको हटा दे, निरस्त कर दे। कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का क्या किया जाने लगा। जब कॉर्न लॉ हटा दिया गया तो बहुत ही कम कीमत पर कॉर्न का क्या किया जाने लगा, आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। मतलब जो ब्रिटेन में
थी, खाद्य पदार्थ उससे भी यहाँ पर कम थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार किसान आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके। फलस्वरूप देश के विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई और हजारों की संख्या में कृषक क्या होने लगे, कृषक जो है वो बेरोजगार होने लगे। ठीक है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। रिंडरपेस्ट क्या है बेटा? रिंडरपेस्ट एक जानवरों में, मवेशी जानवर जो होते हैं उसमें होने वाली एक बीमारी है। रिंडरपेस्ट पालतू पशुओं में, मवेशी मतलब होता है बेटा पालतू पशु। ठीक है, मवेशी मिस क्या होता है? मवेशी मिस होता है पालतू, मवेशी मिस होता है पालतू पशु। ठीक है, पालतू पशु, तो जितने भी मवेशी जानवर हैं, ठीक है, पालतू जानवर, उनमें ये बीमारी जो है वो बहुत तेजी से फैलती थी। इसमें क्या होता था कि प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय, मतलब लोग जो पालतू पशुओं को क्यों पालते हैं, एक आजीविका का साधन करने के लिए। तो जिन लोगों के आजीविका का साधन पशु था, पशु क्या होने लगे, बहुत तेजी से मरने लगे, और लोगों के आजीविका का एक जो बहुत बड़ा साधन था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। ठीक है, बड़ी संख्या में पशुओं के मारे जाने, पता है 90% लोग, 90% जितने भी 90% जो जानवर हैं वो रिंडरपेस्ट की बीमारी की वजह से मर गए। ठीक है, बचे हुए पशु संसाधनों पर नियंत्रण से यूरोपीय उपनिवेशकारों को समस्त अफ्रीका को जीतने और गुलाम बनाने का अवसर मिल गया। अब इसमें क्या हुआ कि अफ्रीका को भी उनका गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो गया था। फिर विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि जब ये विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि जितने भी पुरुष थे, वो चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, सबको लड़ाई के लिए भेज दिया जाता था युद्ध के मैदान में। उस कंडीशन में क्या होता था कि जितने भी घर थे, हर घरों के पुरुष को, वो चाहे किसी भी पोस्ट पे रहते, उन्हें लड़ाई करना आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन युद्ध के मैदान में उनको भेज दिया जाता था। जिसका कारण यह हुआ कि उसके कारण, पता है उसके कारण क्या हुआ कि सारे पुरुष तो मर गए, अब क्या हुआ, मर जाते थे, और उसमें क्या हुआ कि महिलाओं को अपना घर चलाने के लिए, काम करने के लिए फिर बाहर निकलना पड़ता था। 90 लाख से अधिक लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा था देख लेते हैं। व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव की महामंदी का प्रभाव जो है वह व्यापारिक क्षेत्र पर बहुत तेजी से पड़ा। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आप लोग इसको एग्जांपल में लिख भी सकते हो, ठीक है, एग्जांपल में लिख भी सकते हो कि जैसे कोरोना काल आया था, तो कोरोना में क्या हुआ था, ये वो तो विश्व युद्ध था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोरोना जब आया तो इतना अस्त व्यस्त हो गया कि सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप्प हो गई थी। उसका व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा था, लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा था, मतलब वो हर क्षेत्र, एजुकेशन पर भी पड़ा था, शिक्षा पर भी पड़ा था ना, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, कितने दिन तक स्कूल कॉलेज खुलते नहीं थे, धीरे धीरे तो सारी चीजें पटरी पर आई, तो वैसे ही व्यापारिक क्षेत्र पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आज भी देखते होंगे कि अगर कहीं युद्ध होता है, ठीक है, अगर कहीं युद्ध होता है तो उसका असर सिर्फ वहां के देश या वहां के राज्य पर नहीं पड़ता है, बल्कि उसका असर देश के सारे हिस्सों पर पड़ता है, सारे हिस्सों पर पड़ता है। महंगाई बढ़ने लगती है, काम धीरे धीरे ठप होने लगते हैं, तो ये व्यापारिक क्षेत्र पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। किसानों की स्थिति पर प्रभाव, किसानों की स्थिति पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है, ऐसे कृषि उत्पाद एवं निर्मित सामान जिनके अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग थी, मांग में गिरावट दर्ज की गई। जूट और पटसन से बनी वस्तुओं की मांग घटने से उनका निर्यात क्या होने लगा, धीरे धीरे उनका निर्यात बंद हो गया। ठीक है, शहरों और ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसका क्या होने लगा कि जो ग्रामीण मजदूर है उनको काम नहीं मिलता था, और जो ग्रामीण मजदूर हुआ करते थे वो काम की तलाश में शहरों की तरफ ज्यादा भागते थे।
तो यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ रही बेटा, तो आप लोग थंब देकर बताते रहिए कि आप लोगों को चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पुनर्जीवन, वैश्वीकरण क्या होता है, दो देशों को आपस में जोड़ना, तो उसका जो है फिर से पुनर्जीवन प्रारंभ हुआ। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो ताकि आप लोगों को याद करने की जरूरत ना पड़े। आप लोग खुद से बनाकर, SST ऐसा सब्जेक्ट है कि खुद से बनाकर आप लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का निर्णय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 ईस्वी के दशक में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में 70 के दशक के मध्य में कई परिवर्तन किए गए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 से 60 दशक की एक प्रमुख विशेषता थी। बहुराष्ट्रीय मतलब इनका एक उद्देश्य था, यही था लाभ कमाना। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स दो विश्व युद्धों के बीच अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखा जाना। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका में ये हुआ था। ये सबको पता है, अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक संस्था पर संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसे ब्रेटन वुड्स समझौते के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि दो बैंकों की स्थापना की गई थी। एक बैंक ऐसा होता था कि वह और बैंकों पर निगरानी रखता था, जैसे जो पावरफुल देश होते थे वो कहीं कमजोर देशों को उनके लाभ को हड़प तो नहीं रहे हैं, और एक बैंक था, ठीक है, IMF बैंक और वर्ल्ड बैंक, जिनका कार्य यही था, और एक जो बैंक था उसका कार्य ये था कि वो लोगों को मतलब जिसको भी लोन की जरूरत होती थी, ऋण की जरूरत होती थी, वह लोगों को उधार में पैसा देता था ताकि वो अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को और ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके, ठीक है, समझ में आया। चलिए, लाभ और घाटे से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना, लाभ और घाटे से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी अंतरराष्ट्रीय, यही जो मैंने अभी बताया था, IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स द्वीन भी कहा जाता है, ठीक है, IMF। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान सिद्ध हुई, इस कथन पर अपने विचार, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जितने भी मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, क्या हुआ, धीरे धीरे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती गई। फिर यातायात में विशेष सुविधा, यातायात के साधनों में भी ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हुई और उनकी सुविधाएं भी मिलने लगी थी। विज्ञान की प्रगति, विज्ञान क्या हुआ मतलब टेक्निकल चीजें क्या हुई, ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगी और टेक्निकल चीजों की भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने लगा था। कृषि में सुधार के लिए क्या हुआ कि उन्नत प्रकार के बीज, रासायनिक दवाएं, ठीक है, सिंचाई के साधन और क्या होते, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सारी चीजों का क्या हुआ, धीरे धीरे इन सारी चीजों में सुधार किए गए, जिससे कि कृषि में बहुत ज्यादा सुधार होने लगा था। सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि, सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि, औद्योगिक क्रांति से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान में मतलब इससे क्या हुई कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होने लगी थी। दैनिक जीवन में सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि, जब लोगों की आय बढ़ती है, ठीक है, जब लोगों का इनकम बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, उनके दैनिक जीवन की जो भी सुख सुविधाएं होती है उसमें वृद्धि अपने आप होने लगती है। फिर सामाजिक विचारधारा का जन्म, और धीरे धीरे लोग सामाजिक हो जाते हैं, समाज में रहते हैं तो वैसे उसी तरह की उनके विचारधाराएं भी पनपने लगती हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है तो भाई फटाफट आप लोग थंब दे के बताते रहिए। नगरों का विकास, और धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे नगरों का भी विकास होने लगा था, ठीक है। छापे खाने के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, छापे खाने के प्रभाव से, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिलाएं, यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बता रही है, बट लॉन्ग नहीं है बेटा,
क्योंकि दीर्घ लिखना है ना, तो ये लॉन्ग नहीं है। यहाँ पर पीपीटी में आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन जब आप लोग कॉपी में लिखोगे तो यही सारी चीजें छोटी लगेंगी। ठीक है, तो चीजों को समझ लो, समझ लोगे तो आप लोगों को लिखना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। महिलाएं 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर प्रभाव क्या पड़ा था कि परंपरावादी हिंदू व दकियानुसी मुसलमान महिला शिक्षा के विरोधी थे तथा इस पर प्रतिबंध लगाते थे। ठीक है, जो मुस्लिम हुआ करते थे या बहुत कट्टर हिंदू भी जो होते थे ना, वो महिलाओं की शिक्षा दीक्षा पर बहुत प्रतिबंध लगाते थे। ठीक है, बहुत ही प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन इसमें से बहुत सी ऐसी महिलाएं थी, बहुत सी ऐसी महिलाएं हुआ करती थी बच्चा कि जो मतलब पढ़ने के लिए चोरी छुपे किचन के काम करके, जैसे रसोई के काम करके, या जब भी उनको टाइम मिलता था वो जैसे भी टाइम को मैनेज करके पढ़ती थी, चोरी चोरी अपने घर से पढ़ती थी ना, छिप छिप कर पढ़ती थी। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, यह बंगला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। ठीक है, रस सुंदरी देवी ने, इसको आप लोग ना इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि रस सुंदरी देवी जो है वो आमार जीवन नामक क्या लिखी है, आत्मकथा लिखी है। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसको लिख सकते हो। कैलाश वासनी देवी ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। ताराबाई सिंधे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में, मतलब इन्होंने क्या किया कि जो कुछ महिलाएं होती थी वो उनके साथ जो भी घटना होती थी उसको लिखती थी, फिर उसको छपवा देती थी। इससे क्या होता था बेटा कि और जो लोग पढ़ते थे तो उनको बुक पढ़ना, किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। फिर उदारवादी पिता पति अपने यहां औरतों को घर पर पढ़ाने लगे, और इससे इसका क्या हुआ पता है, इसका ये हुआ कि जो पिता थे पति थे जो भी होते थे वो महिलाओं को, ठीक है, वो महिलाओं को अपने घर पर पढ़ाने लगे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज में महिलाओं को पढ़ने की जो स्थिति है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी थी। ठीक है, फिर है गरीब जनता। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन मजदूर सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। मतलब इनका क्या है, सच्ची घटना सच्ची कविताएं इसको छापा गया। मतलब एक गरीब किसान था, उसकी कहानी को इसमें छापा गया था। समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयासों को संरक्षण दिया, मजदूरों के बीच नशाखोरी कम करने, साक्षरता बढ़ाने की, जो मजदूर हुआ करते थे उनमें ज्यादा से ज्यादा नशाखोरी थी, वो नशाखोरी को कम करके, ठीक है, और क्या करना था उनके साक्षरता उनका एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में मुद्रण की सराहनीय भूमिका रही है। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जाती थी। मतलब जितनी सस्ती बुक्स हो सकती थी उतनी सस्ती बुक्स जो है वो चौक चौराहों पर बेची जाती थी। सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे, मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे ताकि वहां पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करते थे, ताकि लोग वहां पर जाकर आसानी से चीजों को पढ़ सके, और बहुत ज्यादा पे स्किल भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा देने की भी नीड नहीं होती थी। कारखानों में मजदूरों ने बहुत ज्यादा काम कारखानों में मजदूरों से जो है वो बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, और उन्हें अपने बारे में लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवालों पर लिखा, उसे प्रकाशित करवाया। मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवालों को लिखा और उसको प्रकाशित करवाया। सुधारक 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, ये जो हमारे समाज में बुराइयां थी, ये जो हमारे समाज में कुरीतियां थी उसको दूर करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था। समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया कि मतलब जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे। ठीक है, अब ये आ जाता है बेटा इतिहास से, बस आप इतने ना ही क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, इसमें से जरूर आ जाएगा। अब आ जाता है भूगोल का। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए। बेटा मृदा से, जो मिट्टी से है, मिट्टी से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार करना। जलोढ़ मृदा,
ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा से बना है भारत का उत्तरी मैदान, भारत का समस्त उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के तीन नदी, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से, जैसे जब नदियां बहती है ना तो उनके द्वारा लाए गए जो भी निक्षेप होते हैं, ठीक है, निक्षेपों से इनका निर्माण होता है। और इसमें ये बहुत, जिस कारण ये बहुत अधिक उपजाऊ, इसमें उपजाऊ शक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना ज्यादा से ज्यादा होता है। काली मृदा, मरुस्थली मृदा, वन मृदा, ठीक है, जितने भी टाइप्स के मृदा हैं, लाल और पीली मृदा और लेटेराइट मृदा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। मेखला बनाकर, ठीक है, पेड़ों की कतारों को लगाकर, मेखला मतलब होता है पेड़ों की कतार, जैसे ये पेड़ है ना, ये देखिए ये कतार, मतलब एक लाइन से ये जो ट्री लगाए जाते हैं इसको बोलते हैं मेखला। तो ऐसे पेड़ों की कतारों को लगाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। बांध का निर्माण करके, कि जैसे खेत है, ठीक है, खेत पे मेड़ बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे ना बांध बनाए जाते हैं, उससे भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पशु चारण पर प्रतिबंध लगाकर, कि जो पशु खेतों में चरते हैं, ठीक है, जो पशु खेतों में चरते हैं तो उस पर भी अगर हम प्रतिबंध लगा दें, उस पर भी अगर हम रोक लगा दें तो उससे भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, तो इसलिए मैं उम्मीद लगाती हूँ आप लोगों से कि आप लोग सारा पेपर कल का भी बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। वृक्षारोपण के द्वारा, वृक्षारोपण मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। समुच्च रेखाओं का निर्माण करके, ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं का समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। भूमि पर सोपान बनाकर, ठीक है, खेतों को पट्टियों से बांधकर, खेत जो होते हैं उनको बड़ी बड़ी लंबी लंबी पट्टियों से बांधकर भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। संसाधन का अर्थ, एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? संसाधन क्या होता है? भू संसाधन, मानव भूमि पर निवास करता है, वे अपने आर्थिक क्रिया, मानव क्या है, मानव भूमि पर निवास करता है, वह अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए पेड़ पौधों जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट रहता है ना, वह रहने के लिए मतलब वो सारे जो क्रियाकलाप होता है भूमि पर ही, योग रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, उद्योगों के लिए क्या चाहिए, अगर हम कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए कारखाने बनाने होंगे, तो वो सारी चीजें कहाँ मिलती है, वो सारी चीजें भूमि पर ही मिलती हैं। और भूमि क्या है, प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क संपत्ति है। भूमि क्या है, हम लोगों ने खुद बनाया है? नहीं, ये प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। तो फिर है, भूमि का प्रयोग निम्न तरीकों से किया जाता है। भूमि का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सबको पता है, कृषि के लिए भूमि का प्रयोग करते हैं, खनन के लिए, आवास के लिए करते हैं, रहने के लिए, खनन के लिए करते हैं, क्योंकि खनन जब खुदाई होती है तभी ना सारी चीजें जो पृथ्वी के अंदर है वो ऊपर निकलता है। फिर उद्योग धंधों के लिए हम कृषि भूमि का प्रयोग करते हैं, और चारागाह के लिए, पशुओं को चराने के लिए, ठीक है, पशु जो होते हैं, पशु जो है वो चरते हैं, चलने के लिए, तो ये ऐसे भी क्या होता है, भूमि का प्रयोग किया जाता है। फिर है, भारत में वनों के ह्रास के प्रमुख कारण, वनों का ह्रास क्या होता है, ह्रास मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, ह्रास मीन्स क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, वनों के ह्रास के कारण। वनों के ह्रास के क्या कारण है, कि जैसे पेड़ जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग पेड़ काटते हैं, क्यों, क्योंकि जनसंख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो रहने के लिए जमीन चाहिए, भूमि चाहिए ना, तो उसके लिए हम पेड़ों को काट देते हैं। फर्नीचर क्या, आजकल आप लोग देखते होंगे कि सारे घर बन भी गया है तो भी लोग फर्नीचर से सारी चीजों को, मतलब फर्नीचर से अपने घर को डेकोरेट करवाते हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है कि इमारती लकड़ियों को काट दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे होता है वनों का
हाँ होता है वनों का चारागाह में परिवर्तन, जो जहां पर पेड़ लगे होते हैं उसको क्या किया जाता है कि उसको चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाता है। रेलवे तथा राजमार्गों का निर्माण व प्रसार, कि कहीं भी राजमार्ग बनाया जाता है, रेलवे बनाए जाते हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। अभी भी आप लोग देखोगे कि जहां पर जिन शहरों में सड़क को, ठीक है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है, चौड़ा करने के बीच में अगर कितनों भी बड़े पेड़ आ रहे हैं और छोटे पेड़ आ रहे हैं, जो है वो सबको काट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी वनों के ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण है, प्राकृतिक कारण। ये सारे तो मानवीय कारण थे कि जो मनुष्य है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक, जैसे भूकंप आ गया, ठीक है, आंधी आ गई, भूस्खलन हो गया, ये सारी चीजें जब होती हैं तो वो प्राकृतिक कारण होता है, इससे भी वनों का ह्रास होता है। वनों के ह्रास से उत्पन्न प्रभाव क्या होते हैं, जब वनों की कटाई होती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, प्रभाव क्या होता है, तो मृदा अपरदन। जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं तो मृदा अपरदन होता है ना, कि भूमि की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है। वर्षा में कमी, पेड़ क्या होते हैं, वर्षा कराने में सहायक होते हैं, लेकिन दिन पर दिन पेड़ कटते जा रहे हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि अब गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठंड बहुत कम पड़ता है ना, ठंड बहुत कम पड़ता है, गर्मी बहुत ज्यादा होता है, बारिश भी बहुत कम होता है। वो क्यों होता है, कभी आप लोगों ने सोचा है बेटा, वो इसलिए होता है क्योंकि लोग दिन पर दिन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इसलिए ये सारे चीजें होती है। पारिस्थितिक की क्षति, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। दिल्ली में आप लोग देखते हो ना, दिल्ली में अक्सर आप लोग देखते हो कि पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि वहां पर बाजारों को बंद करना पड़ता है कुछ दिन तक, लोगों को सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। तो इससे क्या होता है बेटा, कि इससे पर्यावरण में भी बहुत तेजी से वृद्धि होती है। जल स्रोतों का सूखना, ये भी है कि जल जो है, जब वर्षा होगा ही नहीं, जब पेड़ रहेंगे नहीं, पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते, पेड़ रहते नहीं, काटे जा रहे, तो वर्षा होता नहीं है, वर्षा नहीं होगा तो जो जल का स्रोत है वह भी धीरे धीरे सूखता चला जा रहा है। औद्योगिक पादपों का उन्मूलन, वनों से जो औषधीय, ठीक है, जो औषधीय पेड़ पौधे हैं उनकी भी कटाई होती जा रही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, किस प्रकार देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक है, किन्हीं पांच बिंदुओं पर लिखिए। तो बेटा बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है वो क्या करती है कि उसके द्वारा जो है मत्स्य पालन संभव हो पाया है, मनोरंजन के साधन को जुटाने में वो बहुत सहायक है बहुउद्देशीय। उससे क्या होता है कि हम पानी को, बाढ़ के पानी को एकत्रित करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उससे हम सिंचाई भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंचाई भी कर सकते हैं। लोगों, उद्योगों को ऊर्जा इन योजनाओं से मिलती है, जिससे देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, ठीक है। गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान, बेटा एक जो है गन्ना या चावल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आना है, गन्ना का तापमान या फिर चावल का तापमान। तो देखते हैं गन्ने की जन्मभूमि क्या है, गन्ने की जन्मभूमि भारत है। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। गन्ने की उपज हेतु आवश्यक तापमान, वर्षा आदि भौगोलिक दशाओं का विवरण इस प्रकार है। गन्ने की कृषि के लिए समतल तथा अच्छी जल निकासी वाले भूमि तथा जल धारण क्षमता युक्त गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और कितना होना चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। और इसको सूखने के लिए पूरी बुआई गुड़ाई तथा कटाई के लिए अधिक और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और इसको पकने के लिए, मतलब खिली धूप होनी चाहिए, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन बेटा इसमें आ सकता है, गन्ना, गेहूं और एक चावल, ठीक है, तीनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। फिर है गेहूं, गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसे बोते समय 10 सेंटीमीटर से अधिक तापमान और 20 से 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान अधिक उपयुक्त, गेहूं के पकते समय, ठीक है, पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं को बोते समय 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। गेहूं उत्पादक राज्य है, जैसे बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ये सारे, ठीक है,
तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, और बायोगैस है, ज्वारी ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है। फिर है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है। अब ये बताइए, उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करता है ना, तो भूमि का क्षरण इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा भूमि का क्षरण हो जाता है। फिर वायु प्रदूषण, इसके द्वारा वायु प्रदूषण भी होता है, इसके द्वारा जल प्रदूषण भी होता है। उद्योगों के कारण क्या होता है, जल प्रदूषण भी होता है। औद्योगिक बस्तियों का पर्यावरण पर प्रभाव, जो औद्योगिक बस्तियां होती हैं उसका भी पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है बेटा। आप लोग कोशिश ये करना, क्या कोशिश करोगे आप लोग, कोशिश ये करना कि ऐसे क्वेश्चन को चूज करना। मॉडल पेपर मैं कल करवाई थी, आप लोग देखे थे ना कि दो क्वेश्चन दिया रहता है, दो में से एक क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन लिखने के लिए चूज करना जिसमें पॉइंट्स ज्यादा हो, ठीक है। पॉइंट वाले क्वेश्चन लिखोगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छा नंबर मिलना है। हर क्वेश्चन जैसे ये है ना, इसमें दो चार पांच पॉइंट बने, ऐसे पांच पॉइंट, अगर लॉन्ग है तो पांच पॉइंट और शॉर्ट है तो तीन से चार पॉइंट या दो से तीन पॉइंट, ठीक है। पॉइंट वाले क्वेश्चन आप लोग चूज करना लिखने के लिए। भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन, अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने। तो डाक तार सेवा, ये बहुत पुरानी थी, ठीक है, डाक तार सेवा जो है वो बहुत पुरानी थी। अब तो लोग इसका प्रयोग भी नहीं करते, अब तो मोबाइल है लोगों के पास, दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का जनसंचार ये भी है, और मुद्रण माध्यम ये भी है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के 120, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं, क्यों? अब ये बताइए, परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था के क्या कहे जाते हैं, जीवन रेखा कहे जाते हैं, वो क्यों? अगर किसी भी देश में परिवहन और संचार के साधन नहीं रहेंगे तो आप ये बताओ कि वहां पर उद्योग धंधे हो सकते हैं? अगर मान लीजिए परिवहन के साधन नहीं है, ठीक है, यातायात के साधन नहीं है, बात करने का भी कोई साधन नहीं है, तो बताओ, ये आप ये बताओ कि अगर आप कोई कारखाना स्थापित कर लिए हो, ठीक है, वहां पर माल लाना है, ठीक है, माल रॉ मटेरियल लाना है, कच्चा माल लाना है, तो आप उसको कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, नहीं ला पाओगे ना। तो इसके लिए परिवहन के सुलभ साधन होने चाहिए ताकि जो रॉ मटेरियल है वो कारखानों तक बहुत आसानी से पहुंच सके, और उसके बाद चीजों का प्रोडक्शन होने के बाद वो हर जगह जहां जहां उसका डिमांड है वहां पर वो बहुत आसानी से पहुंच सके। ये तो हो गया परिवहन के साधन। अब ये बताइए, संचार के जो साधन होते हैं, जो कम्युनिकेशन के साधन होते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि माल जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट करके रखा है, प्रोडक्शन उसका हुआ है, माल रेडी है, लेकिन आप ये बताओ कि अगर कोई कम्युनिकेशन का साधन ही नहीं है तो माल कहाँ कैसे जाएगा, कहीं कहीं जा पाएगा? क्योंकि अगर मुझे पता लगा यहाँ पर मार्केट में किस चीज का डिमांड बढ़ रहा है, किस चीज का डिमांड नहीं बढ़ रहा है, वो पता कैसे चलेगा, पता चल पाएगा? अगर हम विदेशों में व्यापार कर रहे हैं तो कहां से हो पाएगा, विदेशों में छोड़ दीजिए, अगर हम अपने ही सिटी में ही कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आप यहां से वहां के डिस्टेंस में भी आप नहीं बता सकते। तो इसके लिए संचार के साधन होने चाहिए ना, कम्युनिकेशन का एक साधन होना चाहिए ताकि हम कहीं भी बैठे रहें, देश के किसी भी कोने में बैठे रहें, अगर ये दो साधन उपलब्ध हैं परिवहन के और संचार के, तो हम देश के किसी भी कोने में बैठ कर अपने व्यापार को कर सकते हैं ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया? चले, समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अपने हौसले को बुलंद रखना, कल पेपर है, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आना। जैसा कि बहुत बच्चों का ये था रिप्लाई कि मैम आप हिंदी में जितना बताई थी वो सारा पेपर में आया था, तो आज की क्लास में भी आप लोग प्रॉपर क्लास अटेंड करो, कल की क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आया होगा। फिर आप लोग यही रिप्लाई करो कि मैम आपने एसएसटी में भी जो पढ़ाया था वो सारी चीजें आई है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा बेटा, उसके लिए आप लोगों को पूरा क्लास बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। ये था बेटा भूगोल से, भूगोल से सारे चैप्टर कवर है, सारे चैप्टर 7 चैप्टर है भूगोल में, ठीक है, 7 चैप्टर भूगोल में है, 7 चैप्टर पूरे कवर है। अब आ जाते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र पर। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब ये आप बताओ कि देश को, देश के विकास के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी। सत्ता की साझेदारी क्या होता है, लोगों को उनकी शक्तियों का बंटवारा कर देना, ठीक है। आप देखते हो कि जब कोई नया प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है, तो वो सारे मंत्री को उसके अधिकार दे देता है। जैसे रेल मंत्री है तो उसको रेल से रिलेटेड सारी चीजें, शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, जितने भी मंत्री होते सबको, वित्त मंत्री है, सबको उसके अपने अपने अधिकार दे देता है, सबको अपने अपने पावर दे देता है। तो इसलिए बेटा सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो, ठीक है। ये दूसरा तर्क है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुसंख्यवाद को स्पष्ट कीजिए, श्रीलंका बहुसंख्यवाद को किस प्रकार स्वीकार किया। बहुसंख्यवाद ये श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में सिंगली, ठीक है, श्रीलंका की कुल जनसंख्या में सिंगली समुदाय का प्रतिशत कितना था, 74 था, जबकि तमिलों का कितना था, 18% था। तमिल जो सिंगली थे, ठीक है, सिंगली जो थे बेटा वहां के प्रॉपर निवासी थे, ठीक है, सिंगली कौन थे कि सिंगली जो होते थे वो श्रीलंका के प्रॉपर निवासी थे, और जो तमिल थे वो कर्नाटक और केरल से जाकर वहां पर बस गए थे, ठीक है, केरल और कर्नाटक से जाकर तमिल वहां पे बस गए थे, लेकिन जो सिंगली थे वहां के प्रॉपर निवासी थे। तो अगर आप ही लोग देख लो, अगर आप लोग अपने घर में रहते हो तो शेर बनते हो, शेर रहते हो ना, लेकिन आप लोग अपने घर से किसी दूसरे, किसी रिलेशन वालों के पास जाते हो या किसी अननोन जगह जाते हो तो वहां जाके आप गीदड़ बन जाते हो, बन जाते हो ना, है ना, गीदड़ बनते हो कि नहीं, कौन कौन बनता है भाई, फटाफट रिप्लाई दो, कौन कौन गीदड़ बन जाता है। तो वहां पे जाके, मतलब गीदड़ का मतलब ये बुरा मत मानना, गीदड़ का मतलब आप थोड़ा सा दड़े सहमे रहते हो ना, थोड़ा सा, खासकर गर्ल्स के साथ ये होता है, बॉयज के साथ भी होता है बट उतना नहीं होता, गर्ल्स के साथ होता है कि अगर वो कहीं और जाती है तो फिर थोड़ा सा उनके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जिसका घर है, ठीक है, जिसका घर है उसका तो दबदबा रहेगा ही, है ना, रहेगा ना, जिसका एरिया रहता है उसका दबदबा रहता ही है। तो वैसे ही जो तमिल लोग थे वो श्रीलंका में आकर बस गए, और जो सिंगली लोग थे जो वहां के प्रॉपर निवासी थे उनका दबदबा था, मतलब वो तमिल सोचते थे कि यहाँ पर मेरा सारा राज्य चले, मेरी बातों को सुना जाए, मुझे सर्वोपरि रखा जाए, और सिंगली सोचते थे कि मुझे सर्वोपरि रखा जाए, इसलिए हमेशा वहां पर गृह युद्ध हुआ करता था, ठीक है, हुआ करता था। और इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो तमिल थे वो अल्पसंख्य थे, अल्पसंख्य मतलब थोड़े ही मतलब थोड़ी संख्या में थे, श्रीलंका में बहुसंख्य, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, यह एक प्रकार का मत है कि बहुसंख्यक समुदाय को जिस प्रकार वे चाहे देश में शासन करे हेतु सक्षम होना चाहिए। मतलब वहां पर क्या था कि जो सिंगली थे वो सोचते थे कि सिर्फ हमारी ही बातों को तो रखा जाए। सिंगली वर्चस्व स्थापित करने का कारण, सिंगली को राजभाषा घोषित करने के कारण कि वहां पर सिंगली को राजभाषा घोषित कर दी गई, सिंगली लोगों को प्राथमिकता देने के कारण, शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों तथा सरकारी नौकरियों में सिंगली आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती थी। मतलब हर जगह सिंगली लोगों का दबदबा था, इसलिए सिंगली लोगों का ही चलता था। बौद्ध धर्म को राज धर्म की मान्यता प्राप्त करने का कारण कि जो बौद्ध धर्म था उसको राज धर्म मान दिया गया, कि मतलब जो श्रीलंका में रहेगा उसको सिंगली भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा और बौद्ध धर्म को मानना पड़ेगा, जो ऐसा नहीं करेगा वो श्रीलंका को छोड़ के जा सकता है, ठीक है। यहां तक की चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। संघीय व्यवस्था क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिससे देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद है, पहला केंद्रीय और दूसरा राज्य, ठीक है। दूसरा क्या है, स्थानीय या राज्य। स्थानीय सरकार, केंद्रीय क्या होता है बेटा, केंद्रीय सरकार वो होता है जो देश, पूरे देश का देखभाल, देश
पूरे देश का जो देख संचालन करता है, जो देखरेख करता है, उसको बोलते हैं केंद्रीय सरकार, और जो राज्य को देखता है, स्टेट को देखता है, उसे बोलते हैं राज्य सरकार। और बेटा इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार है वो अपने पूरे देश को देख रहा है, ठीक है, राज्य सरकार जो है पूरे राज्य को देख रहा है, लेकिन राज्य के अंदर भी बहुत से गांव है, बहुत से शहर है, उनका विकास कैसे किया जाए, उनको कैसे देखा जाए, तो इसके लिए गांवों में ग्राम प्रधान और शहरों में सभासद, ठीक है, मेयर, उनका निर्माण किया गया था, ठीक है, ताकि वो लोग हर गांव में, आप लोग देखते हो कि हर गांव में एक प्रधान होता है, शहरों में आप देखते हो हर शहरों में एक मेयर या सभासद होता है, कि हर एरिया का होता है, कि वो हर एरिया जो है बटी रहती है और वहां के ग्राम प्रधान सभासद उन चीजों की देख रेख करते हैं, ठीक है। दोहरी नागरिकता होना, संघनात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, लोग अपने देश तथा अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं, केवल भारत में एक हरी नागरिकता है। दोहरे उद्देश्य प्राप्त करना, ठीक है, सरकार का एक या अधिक स्तर का होना, सरकार का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होना, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए, बहुत विस्तृत होना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होना, कि सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करना, मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तरों की सरकार की सहमति से बदलना, ठीक है। यहाँ पे 6-7 पॉइंट है बेटा, लेकिन 5 पॉइंट ही आप लोग पढ़ना, ठीक है, 5 पॉइंट ही आप लोग पढ़ना। मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तर की सरकार की सहमति से, अगर कोई भी अधिकार है तो दोनों, केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर उसको बदल सकते हैं, ये सोचे कि सिर्फ एक की सहमति से बदला जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। संविधान को व्याख्या का अधिकार, संविधान में जो भी चीजें उल्लिखित है उसको व्याख्या करने का पूरा अधिकार है इसको। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने का अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हो, इस शासन के किन्हीं दो गुणों को बताइए। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी क्या होती है, सुनिश्चित होती है। स्थानीय लोगों को इस स्थान विशेष की परिस्थितियों समझता है, मतलब स्थानीय क्या होता है कि इस स्थान पर जो भी चीजें हो रही हैं उसकी जानकारी पूरी तरह से मिलनी चाहिए, ठीक है। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करना चाहते हैं कि नहीं, ज्यादातर अभी भी आज भी ज्यादातर लोग अपनी ही जाति में शादी करना चाहते हैं। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरे समाज में दिखती है कि नहीं, छुआछूत की भावना अभी भी हमारे समाज में है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में हैं, इसका प्रभाव आज भी समाज पर पड़ता है। तो ये तो आप लोग अपने से भी बहुत सारी चीजों को इसमें बनाकर लिख सकते हो, ठीक है, हर जाति में ये सारी चीजें। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, अंतर जाति विवाहों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करें, ठीक है, जाति प्रथा को समाप्त किया जाए, ठीक है, कि अंतरराज्यीय मतलब इंटर कास्ट में भी हम लोग अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं, और क्या है, लोगों का एजुकेशन होना कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब एजुकेटेड होंगे तो उसका विरोध करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। जीवन के उन्हें विभिन्न पहलुओं का जिक्र कीजिए जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। अब भेदभाव तो होता ही है, मैं बहुत बार भी ये बता चुकी हूँ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, कि आज अगर घर में लड़की पैदा होती है तो फिर लोगों का मुंह बन जाता है, तो अगर स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री और पुरुष किसी संस्था में एक साथ काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम घंटे काम कर रहे हैं, तो लोगों का, उन लोगों का क्या होता है, पे स्किल जो होता है, पैसा जो, सैलरी जो होती है, वो दोनों का डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्यों होना चाहिए, इसलिए डिफरेंट होता है कि वो स्त्री है, वो पुरुष है ना। घर के काम काज जो है वो पुरुष नहीं करते हैं, महिलाएं करती हैं, वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, उनको घर के काम काज करने हैं, पुरुष उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, भले ही पुरुष उस काम को बाहर में करेगा, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, ठीक है, ये सारे काम पुरुष बाहर करेंगे लेकिन घर में नहीं करेंगे,
क्योंकि हमारे अंदर बचपन से ही ये मेंटेलिटी आ जाती है कि घर के काम घर की महिलाएं करेंगी, घर के काम घर के पुरुष नहीं करेंगे। आप लोग देखते होंगे कि रेस्टोरेंट पे जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ तो वहां पे खाना कौन बनाता है? कोई लेडीज तो रहती नहीं। वहां झाड़ू पोछा कौन करता? वहां बर्तन कौन धुलते? आप देखोगे ठेले वाले हैं, गोलगप्पे वाले हैं, चाहे मोमोज वाले, कोई भी ठेले वाले, वहां पर कौन दुकान लगाता है? महिलाएं जाती हैं? महिलाएं नहीं जाती हैं। महिलाएं नहीं रहती है ना वहां पे, पुरुष ही रहते हैं। तो जो काम वो घर में नहीं करते वो घर के बाहर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन घर में करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, है ना? घर में करेंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये बताइए सारे बॉयज जितने भी हैं, आप लोग घर में अपने मम्मी के हेल्प करवाते हो? ये बताओ, सारे बॉयज जितने भी हैं क्लास में, अपने घर में अपनी मम्मी की हेल्प करवाते हो आप लोग? नहीं करवाते होगे, है ना? पता है मुझे कोई नहीं करवाता होगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल, राजनीतिक दल को लोगों के ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। चुनाव लड़ना, इनका इनकी भूमिका क्या होती? चुनाव लड़ना, ठीक है। फिर नीतियों व कार्यक्रम जनता के सामने रखना, जो भी नीतियां होती हैं वो जनता के समक्ष रखते हैं। कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाना, कानून के निर्माण में निर्णायक भूमिका सरकार बनाना, विरोधी दल के रूप में काम करना। कि मतलब वो लोग सरकार भी बनाते हैं और विरोधी दल के, जैसे कोई किस पार्टी का समर्थन कर रहा है तो कोई किसी पार्टी का समर्थन कर रहा है, हर कोई एक दूसरे का विरोधी होता है। फिर लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव, चुनाव क्या होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। स्वच्छ नहीं बेटा, स्वतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, वहां पे पक्षपाती नहीं होना चाहिए। हमें अपने राइट्स है, हमें अपने अधिकार मिले हुए हैं कि हम जिस भी सरकार को चाहे उसका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। हमें किसी के फाउंडेशन में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मतलब हमें पूरी तरह से क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। कानूनों पर खुली चर्चा, जो भी कानून है उस पर पूरी खुली चर्चा होनी चाहिए, खुलकर एकदम बात होनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त होता है। कि सूचना पाने का पूरा अधिकार होना चाहिए किसको? जनता को। जवाबदेह सरकार का गठन, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। वो हमेशा जनता के हित के बारे में सोचती है, अहित के बारे में नहीं सोचती है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं चार आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए? सफलता का पूछा बेटा, निष्पक्ष प्रेस, ठीक है, गरीबी का अंत। अगर कोई भी सरकार आती है तो जनता उससे क्या उम्मीद लगाती है? कि अभी जो गरीबी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे इस समय देखोगे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो हम यही सोचेंगे ना कि 2024 में जो भी सरकार आए वो बेरोजगारी को कम कर दे, बेरोजगारी को खत्म कर दे, ताकि जब बेरोजगारी खत्म होगा बेटा तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। गरीबी को नहीं खत्म करना हमें, गरीबी को पता लगा हम कुछ पैसे दे दे लोगों को तो उससे एक और दो महीने खाने भर का उसका काम चल जाएगा, लेकिन हमें गरीबी को नहीं खत्म करना है। हमें किसको खत्म करना है? हमें बेरोजगारी को खत्म करना है। क्योंकि जब हम बेरोजगार होंगे, ठीक है, जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो फिर गरीबी तो अपने आप खत्म हो जानी है। जब हमारे पास इनकम का एक जरिया मिल जाएगा तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। और जब हम बेरोजगार पड़े रहेंगे तो फिर वो क्या होगा? फिर तो गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। और इंडिया जैसे, हम लोग के भारत जैसे देश में देख रहे होंगे आप लोग दिन पर दिन कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी बढ़ती जा रही है कि नहीं? सही बात है ना।
राजनीतिक दलों का आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना, कि मतलब जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, कि जो भी वो तय कर रहे हैं उस पर पूरी तरह खरे उतरे। नागरिकों का उच्च चरित्र, कि लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का चरित्र क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, नागरिकों में सामाजिक एकता की भावना होनी चाहिए। ये तो हमारे बेटा नागरिक शास्त्र से थे। अब आ गए हमारा अर्थशास्त्र। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विकास को मापने का विश्व बैंक का जो मापदंड केवल आय पर आधारित है, इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक हैं, जैसे लोगों का स्वास्थ्य, ये लोगों के स्वास्थ्य को भी मापता है, शैक्षिक स्तर, लोगों के क्वालिफिकेशन स्तर को भी मापता है, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय, और यह प्रति व्यक्ति आय की भी गणना करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बॉक्स में बना हुआ है सेम वैसे ही आप लोग एग्जाम में आएगा, तो लिख के आना, ठीक है, वैसे ही लिख के आना। राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश उत्पादन के साधनों द्वारा किसी एक निश्चित समय में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थ एवं सेवा का क्या होता है, वास्तविक और शुद्ध मात्रा होती है। प्रति व्यक्ति आय का अभिप्राय देश के एक व्यक्ति को निश्चित समय में प्राप्त होने, मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, एक निश्चित समय में जो व्यक्ति को एक निश्चित पैसा, जो निश्चित मनी मिलता है, वही क्या होता है, वही प्रति व्यक्ति आय होता है। राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, और किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। बेटा ये जो लाइन है ना, ये आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप लोगों से पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या है, तो वास्तविक आय अपॉन जनसंख्या का आकार, ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास की सूचक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ाने के साथ साथ यदि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है तो सही अर्थों में आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास होने का अधिक विश्वसनीय सूचक है। मानव विकास सूचकांक क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। मानव विकास नापने वाले मूलभूत अव्यय, मानव विकास एक विस्तृत धारणा है, इसमें मनुष्य की क्या क्या मापी जाती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन का विकास शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास को मापने के लिए तीन प्रमुख अवयवों को आधार बनाया है, कौन कौन से, दीर्घ आयु, ठीक है, उसकी आयु, शिक्षा अथवा ज्ञान, शिक्षा का स्तर और जीवन स्तर, ये तीन पॉइंट है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक को मापने के तीन पॉइंट है, कौन कौन से है, आयु, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है, उसका जीवन स्तर कैसा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये क्वेश्चन तो न जाने मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, कितनी बार एमसीक्यू में भी समझा चुकी हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि प्राथमिक कृषि से रिलेटेड जो होता है, और ये विनिर्माण से रिलेटेड होता है, और ये सेवा क्षेत्र से रिलेटेड होता है। इस क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, इसमें बदल कर उसकी उपयोगिता बढ़ा दी जाती है, और इसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के बीच में कड़ी का काम करता है। यह क्षेत्र असंगठित होता है, यह संगठित क्षेत्र होता है, यह संगठित क्षेत्र होता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो असंगठित होता है, और ये दोनों संगठित होते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन और पशुपालन से संबंधित ये सारे किसमें आते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे बड़ी फर्में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि इसमें शामिल है, और इसमें बैंकिंग, बीमा, व्यापार, जो भी हमारे सेवा क्षेत्र आते हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। भारत जैसे बहुत से विकासशील देशों में इस क्षेत्र में अधिकांश लोग नियोजित हैं। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अतिरिक्त मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के में असफल रहा है,
ये सफल नहीं रहा है, ये असफल रहा है। रोजगार देने में इस क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए कि अधिक से अधिक रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो तकनीकी और संस्थागत उपाय कर सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी चीजों का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकते हैं, संबंध कृषि का संवर्धन कर सकते हैं, लघु उद्योगों और बैंक ऋण की ओर ध्यान केंद्रित करना कि जितने भी लघु उद्योग हैं उनकी तरफ क्या होना चाहिए, उनकी तरफ अपने ध्यान को आकर्षित करना चाहिए, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करने चाहिए, जितने भी ग्रामीण अवसंरचना है मतलब देखना चाहिए कि किस वजह से उसमें विकास नहीं हो रहा है, उसमें विकास करना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं क्या है, असंगठित, असंगठित मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो किसान हैं, जो ठेले वाले हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे असंगठित क्षेत्र में, तो उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। बेहद कम आमदनी, उनकी आमदनी तो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी कंपनी फर्म संस्था की तरफ से तो मिलती नहीं है, ठीक है, जितना मेहनत करेंगे जितनी मजदूरी करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, है कि नहीं बेटा। फिर है अस्थायी रोजगार, उनका रोजगार अस्थायी होता, पता लगा आज सब्जी का दुकान लगा रहे हैं, सब्जी की दुकान से बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कल ठेले लगा लेंगे, ठीक है, कल गोलगप्पे के ठेले लगा लेंगे, है ना, गोलगप्पे सुन के सबके मुंह में पानी आ गया होगा, कल लास्ट एग्जाम है, देखिएगा आप लोग खूब खा लीजिएगा, ठीक है। फिर श्रम कानूनों के तहत नहीं आते हैं, ये श्रम जो है वो कानूनों के तहत नहीं आते हैं, खतरनाक उद्यमों में भी इनको सुरक्षा नहीं रहती है, जैसे होता है ना कि कंपनी कोई फर्म है अगर वहां पे मान लीजिए आग लग जाता है, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस किया जाता है, पता होगा ना सबको कि जो भी दुकानदार होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती फर्म होते, वो वहां पे इंश्योरेंस किया जाता है कि अगर माल किसी वजह से नष्ट हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो उनकी भरपाई कर देती है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं उनमें तो ऐसा है नहीं। मान लीजिए सब्जी वाले अपना सब्जी का दुकान लगा रहे हैं, हफ्तों भर बारिश हुआ, बारिश की वजह से उनकी पूरी सब्जी बेकार हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उनको सब्जी फेंकना पड़ जाएगा, मतलब उनका नुकसान अपने घर से उनको भरपाई करनी पड़ेगी, तो क्या होता है खतरनाक उद्यमों में भी उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलता है। बढ़ती हुई जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था और उनकी बढ़ती हुई सामाजिक व्यवस्था, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। स्वयं सहायता समूह जैसे कि बैंकों से जो ऋण लेते हैं ना, बैंक से जो लोन लिया जाता है, तो जो किसान होते हैं वो ज्यादातर बैंकों के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि बैंक क्या करते हैं बेटा कि बहुत सारे कागज मांगते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो किसान भाई हमारे होते हैं वो बैंकों के पास नहीं जाना चाहते, ठीक है, वो बैंकों के पास नहीं जाना चाहते हैं, या तो फिर अपने रिलेशन वालों से, या तो फिर क्या होते हैं साहूकार से, ठीक है, या जमींदार से अगर वो पैसा लेते हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो साहूकार होते हैं या तो जमींदार जो होते हैं वो जमीन अगर गिरवी रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है पता, जमींदार जो होते हैं वो जो किसानों को जबरदस्ती साइन करवा लेते हैं और उनकी जमीन को हड़प लेते हैं, या साहूकार जो होते हैं सुनार वो क्या करते हैं कि सोने हड़प लेते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि किसान भाइयों को बहुत अपना मतलब अपनी सारी चीजों खो देनी पड़ती है सिर्फ तुच्छ पैसों के लिए। तो स्वयं सहायता समूह क्या करता है बेटा कि ये 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, समूह मतलब क्या होता है ग्रुप, तो 10 से 15 लोगों का एक जो ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि ये लोग हर महीने, ठीक है, हर महीने मान लीजिए 10 रुपया, मैं 10 बता रही हूँ, 1000 रुपया भी, 2000, 10000 रुपया भी, 10 रुपया हर महीने ये लोग क्या करेंगे कि हर महीने, या 12 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, 12 व्यक्तियों का अगर हम समूह ले लेते हैं तो 12 व्यक्ति 12 महीने 100-100 रुपया अपना जमा करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होना है विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वास जहां पर होता है उसी जगह ये संभव होता है। तो मान लीजिए 100-100 रुपया वो हर महीने अपना जमा करते हैं, तो उस बीच में अगर जिसको भी
जरूरत होती है, मान लीजिए किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, तो वो पैसा जिस महीने में कलेक्ट हुआ वो ले लेता है, ठीक है, अपना काम कर लेगा, फिर वो पैसा अपना सारे लोग जमा करते रहेंगे। और जो लास्ट में लेता है, जैसे जो सिर्फ पहले महीने ना लेके सीधे 12वें महीने में पैसा लेता है, तो उसको थोड़े पैसे बढ़ाकर मिलते हैं। जैसे 1,000 हो रहा है तो उसको 1,100 मिलेगा, मतलब कुछ पैसे उसमें बढ़ा दिए जाते हैं जो सबसे लास्ट में लेता है। और इसमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। इसमें क्या होना चाहिए कि आपसी जो है वो समूह जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये है स्वयं सहायता समूह। मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अब ये देखिए, मुद्रा जो है वो वस्तु मुद्रा जो है वो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को बहुत आसानी से दूर करती है। पता है, बहुत पहले, बहुत आज से हजारों साल पहले हमारे देश में वस्तु विनिमय हुआ करता था। वस्तु विनिमय मतलब होता है वस्तुओं से ही वस्तुओं में आदान प्रदान करना, ठीक है, वस्तुओं से ही वस्तुओं में। जैसे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, तब उसकी समस्याओं को बताती हूँ कि जैसे पहले क्या हुआ करता था कि गांव में जो किसान होते थे वो क्या करते थे, अगर उनके पास गेहूं ज्यादा हो गया है, उन्हें चावल की जरूरत है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे जो उनके गेहूं के बदले में चावल ले लेते थे। तो ये क्या हुआ बेटा, वस्तु विनिमय। आज भी आप लोग अगर गाँव से रिलेटेड हो गए तो आप लोग देखते होंगे कि गाँव में अगर कोई भी आइसक्रीम वाले हो या सोन पापड़ी बेचने वाले आते होंगे गाँव में, तो आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो घर अपने घर की चीजों को, जैसे डिब्बे हो गए, टीन छोटे छोटे हो गए, या कहीं कहीं आप देखते होंगे कि बालों को, जो बाल झाड़ती हैं महिलाएं, आपकी मम्मी या दीदी जो भी होंगी बाल झाड़ती होंगी, तो उसको बाल को भी वो बड़े अच्छे से हिफाजत से रखती, उसके बदले में भी उनको सामान मिलता है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये वस्तु के बदले में वस्तुओं को देना, ये हो गया वस्तु विनिमय। या शहरों में ले लीजिए, शहरों में भी अगर हम देखते हैं कि जैसे जो बर्तन वाले आते हैं, है ना, बर्तन वाले जो आते हैं वो बर्तन बेचते हैं कपड़ों के बदले में, जैसे उनको कपड़े आप देंगे तो उसके बदले में वो बर्तन देते हैं, वो हो गया वस्तु विनिमय। लेकिन वस्तु विनिमय में क्या होता था बेटा, कि वस्तुओं का जो मूल्य होता था वो वस्तुओं का मूल्य नहीं मापा जा सकता। जैसे मैं ये बोलूं ये पेन जो है वो 10 रुपए का है, तो ये मुद्रा विनिमय में इसका मूल्य डिसाइडेड है कि ये 10 रुपए में है, लेकिन अगर हमें इसे किसी वस्तु के साथ बदलना हो तो क्या उस वस्तु का मूल्य, मान लीजिए हम इसे एक साड़ी के साथ बदलेंगे तो साड़ी का रेट कितना आता है, साड़ी 200-250 ऐसे मिलती है। अब पता लगा हम साड़ी के बदले में पेन खरीदते हैं तब तो हमें घाटा हो जाएगा ना। तो ये हुआ वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को मुद्रा विनिमय ने कैसे दूर किया, तो वो ऐसे दूर किया कि जैसे मुद्रा जब चलन में आ गई तो सारी चीजों का जो मूल्य है, मूल्य है वो सारी, जो सारे मूल्य है वो डिसाइडेड हो गए, ठीक है। अब हमें क्या है कि अब हमें किसी भी चीजों को लेना होता है, हम बस दुकान पे जाएंगे, पैसा देंगे, वो सामान लेके चले आएंगे, वहां पे मोलभाव भी करने की जरूरत नहीं होती। छोटा बच्चा जाए, बड़ा बच्चा जाए, कोई भी जाए, वो बस पैसा देगा और वस्तुओं को लेके चला आएगा। तो मुद्रा विनिमय ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को इस तरह दूर किया, है ना, समझ में आया आप लोगों को? आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है, आ गई होंगी। तो आप लोग फटाफट थम देकर आप लोग बताते रहो कि चीजें कहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई हैं, ठीक है। सो रहे हो आप लोग तो वो भी बता दो भाई। भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। विदेशी व्यापार क्या होता है, जो 2 देशों के मध्य होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं, ठीक है। विभिन्न देशों को परस्पर जोड़ने में सहायक। विदेशी व्यापार क्या करता है, 2 देशों को, जैसे हम यहाँ कहें कि भारत और जापान के बीच में व्यापार हो रहा है या भारत या अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा है, तो ये क्या कह रहा है बेटा, ये 2 देशों को आपस में जोड़ रहा है ना, क्योंकि सामान का आदान प्रदान हो रहा है, सामान के आदान प्रदान के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो 2 देशों को जोड़ रहा है ना। विदेशी व्यापार में उत्पादकों को अवसर प्रदान करना, जो उतने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको अवसर मिलता है बाहर घूमने का, या तो फिर अपने माल को और भी ज्यादा अपने व्यापार को एस्टैब्लिश करने का, प्रतिस्पर्धा करने में सहायक। विश्व व्यापार के तहत 2 देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, ठीक है, दूर बैठे रहेंगे फिर भी वो प्रतिस्पर्धा को कर सकते हैं, ठीक है।
वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए तथा वैश्वीकरण के प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण होता है दो देशों को आपस में जोड़ना, वही होता है वैश्वीकरण। उदारीकरण सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निवेश, प्रौद्योगिकी का क्या होता है? आदान प्रदान हो रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकी, टेक्निकल चीजें, जितनी भी टेक्निकल चीजें यूज होती हैं वो ऐसे ही होती हैं कि जितना भी हम टेक्निकल चीजों का यूज करते हैं हमारा प्रोडक्शन उतना ही अच्छा होता जाता है। उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकर्षक विज्ञापन, बहुत सी कंपनियां क्या करती है, आकर्षक कि जैसे कोई क्रीम लगा लो काले से गोरे हो जाओगे, तो ये क्या है? आकर्षण विज्ञापन करना। अब लोग उसी क्रीम के पीछे भागने लगेंगे, अरे ये तो लगा लो काले से गोरे हो जाएंगे। या जो बहुत मोटे लोग हैं तो ये दवा खा लो या ये जूस पी लो, धीरे धीरे बस दो दिन में पतले हो जाओगे। तो ऐसा हो पाता है? ऐसा नहीं हुआ। या तो कोई तेल ऐसा आ रहा है कि बस आज लगा लो रातों रात बाल एकदम इतने बड़े हो जाएंगे कि फिर खिड़की से लटका दो उसको नीचे तक लहराता रहेगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारे कंपनियों का क्या है, सारी जो कंपनियां होती है वो आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव जो है वो एडवर्टाइजमेंट करती है, लोग उसी के पीछे भागते रहते हैं। साक्षरता कम होना, जो कम पढ़े लिखे हैं, जैसे गांव में लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो ये सारी चीजों को देखने के बाद उसको यूज करने लगते हैं। नई नई वस्तुओं का बाजार में आना, नई नई वस्तुएं क्या है बाजार में आती है। ज्ञान की कमी, ज्ञान की लोगों में कमी ही रहती है ना। सीमित आपूर्ति, आपूर्ति सीमित होता है, और सीमित प्रतिस्पर्धा। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा यहां तक हमारे जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये चारों सेशन से लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ भी मत पढ़िएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन में से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, हाँ एक बात और है कि क्वेश्चन अगर घुमा देगा तो आप लोग प्लीज मत घूमना, आप लोग घूमना मत, आंसर सेम जो भी उससे रिलेटेड होगा वो लिख के जरूर आना। ठीक है, एसएसटी में जितना लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। यह है बेटा लघु उत्तरी। ठीक है, लघु उत्तरी है ये कि कल की क्लास में मैं ये सारे चीजें करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को आई थिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को कहीं भी अगर कोई समस्या हो रहा है तो आप लोग इसको बताना। ठीक है, ये भूगोल से है, पार्थिव भूमि और कृषि योग्य भूमि ये भी मैं बता चुकी हूँ। ये है बांगर और खादर। ठीक है, ये क्या है? बांगर और खादर। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी ये भी मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, पर्यावरण में गिरावट से क्या तात्पर्य है? कि पर्यावरण में गिरावट होता है जैव विविधता, चिपको आंदोलन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैव विविधता क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय, कि वन्य जीव संरक्षण के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, वैसे आई थिंक पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बस बेटा आज की क्लास में जितना पढ़ाया गया है, ठीक है, उससे ज्यादा आप लोग कुछ भी मत करना। और कल की क्लास में मैंने मॉडल पेपर करवाया है ना, वो भी आप लोग अच्छे से देख लेना। और एक बात और, एक दो मॉडल पेपर मैं इससे पहले भी करवा चुकी हूँ, आप लोग उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। बस इतना करके जाओ, आप लोगों का एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, इतना करके आप लोग जाओ, एसएसटी का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। ठीक है, ये देखिए मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर ऐसे ही आता है। आज की क्लास में मैं सारी चीजों को ऐड कर दी हूँ ताकि आप लोग देख लो। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू से, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन रहता है, अथवा अथवा करके दिया रहेगा। ठीक है, देख रहे हो ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है, और ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और हाँ बेटा, इसमें दिया नहीं है दृष्टिबाधितों के लिए, तो दृष्टिबाधितों के लिए जो दिया रहता है ना, दृष्टिबाधितों वाला जो रहता है वो आप लोग नहीं करोगे, ठीक है, वो दूसरों के लिए दिया रहता है। ठीक है बच्चा, ये MCQ है, ये 200 MCQ का सीरीज है बेटा, इसको मैं 4 तारीख को करवाई हूँ, ठीक है, आप लोग वहां से देख लेना। और बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया था MCQ में, सारे बच्चों का 200 में से 190, 199, किसी बच्चों का 180, किसी बच्चों का 170, ऐसे ऐसे नंबर आए थे, ठीक है, मैं स्कोर पूछी थी। तो आप लोग वहां से, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहा है, ठीक है, फालतू मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आज की जो क्लास है वो पूरी कंप्लीट क्लास है, कि सारी चीजें आप लोगों को ऐसे आएगा। तो पूरे 200 क्वेश्चन का सीरीज है, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है बच्चा, आप लोग इसको देख लेना, वहां पे करवाया गया है, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है बच्चा, 200 पूरे क्वेश्चन, 200 MCQ इतना ही करके जाओ, इससे ज्यादा आप लोगों को, ज्यादा चीजें आप लोगों को करने की जरूरत नहीं। आज की क्लास में जितनी चीजें हैं बस उतना पढ़ लो, उससे ज्यादा आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये भी मैं बता चुकी हूं कि उत्तर दक्षिण, ठीक है, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, यहाँ पे क्या है, ये बोट है, ठीक है, ये बोट है, 1 2 3 4, बी फॉर बंगाल, ठीक है, और ओ फॉर उड़ीसा, ठीक, और ए फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है, टी फॉर तमिलनाडु, यहाँ पे क्या है, यहाँ का है केक, गोवा में ठंडी कहाँ पड़ती है, जम्मू में, हिमाचल में, ठीक है, मैं ऐसे ओरली बता देती हूँ, एक बार मैप से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है, एक बार मैप मैं फिर से दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग देख लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ बेसिक चीजें मैं बताऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं, ये ठीक है। इसको क्या करोगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, क्या हो गया बेटा, बोट, बी फॉर बंगाल, बोट लिख लेते हैं यहाँ पे, BOAT, ठीक है, बी फॉर बंगाल, O फॉर उड़ीसा, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तमिलनाडु, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ केक गोवा में हो गया, K फॉर केरला, K फॉर कर्नाटका, गोवा, ये छोटा सा जो देख रहे हैं ये यहाँ पे गोवा है, मे फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, ये कुबड़, ये जो कुबड़ निकला हुआ है, ये कुबड़ क्या है, ये कुबड़ गुजरात है, ठीक है, कुबड़ गुजरात है। अब आ जाते हैं उत्तर की जगह, सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पड़ती है, जम्मू में, ये जम्मू है हमारा, उसके बाद हिमाचल में, ये हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश को हम HP भी लिख सकते हैं, फिर आ जाता है हमारा उत्तराखंड, HP को FP को हम इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा पंजाब हो जाता है, ये हमारा हरियाणा हो जाता है, हरियाणा के जस्ट बगल में क्या है, हरियाणा के जस्ट बगल में दिल्ली है, दिल्ली के पास क्या है, यूपी है, यूपी में ही आपका आ जाता है लखनऊ है, इलाहाबाद है, ठीक है, यहाँ की सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक की। फिर यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है, और हम देखते हैं इन सब के बीच में मिड में क्या है, तो मिड में हमें ये दिखता है, मिड में ये है मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के लगे हुए क्या है, तेलंगाना है, ठीक है, और उसके बाद यूपी और बिहार क्या है, भाई भाई है, तो यूपी और बिहार भाई भाई है, तो यहाँ बिहार और यहाँ झारखंड हो गया, और फिर ये जो गन की तरह लिया हुआ है अपना हैंड, ऐसे करके आप लोग देखो, शूट करो, करते हो ना, तो ऐसे शूट कर दो, और ये देखिए, ये जो गन की तरह है ये हमारा हो जाता है असम हो जाता है, ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। तो ये सिर्फ बेसिक चीजें थी मैप में, ओरली मैं आप लोगों को बता दे रही हूं, अगर आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाके इसको और अच्छे से देख सकते हो। अब बताइए यहां तक में चीजों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है, एक आध दो क्वेश्चन भी मैं करवा देती हूँ। जैसे देखिए, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर, अमृतसर कहाँ पड़ता है बच्चा, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, पंजाब यहाँ है, ठीक है, यहाँ है पंजाब, सॉरी अमृतसर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह कहाँ पड़ता है, खेड़ा कुबड़ गुजरात में है, ठीक है,
कुबड़ में चले जाइए गुजरात में। फिर वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, डांडी, डांडी भी कुबड़ गुजरात में है। आगे चलते हैं, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, चंपारण। यूपी और बिहार है भाई भाई, ठीक है, यूपी बिहार क्या है भाई भाई, ये चंपारण हो गया। फिर आ जाते वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है लखनऊ, ये दिल्ली है, दिल्ली के पास यूपी, इसी जगह लखनऊ आ गया। फिर आ जाते हैं वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, मुंबई के गोवा में, गोवा में, मे फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यही मुंबई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह स्थान वही पंजाब में अमृतसर। फिर आ जाते हैं वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, अहमदाबाद कुबड़ गुजरात, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चा कि आप लोग बस खाली थोड़ा सा ये सारी चीजें ध्यान रखोगे ना, एग्जाम में बैठोगे तो बोलोगे मैम ने ऐसे बोला था, ये चीज यहाँ पर है कुबड़, जब डांडी आएगा ना तो मेरी बात को जरूर आप लोग याद करना। याद क्या करोगे, याद आ ही जाना है, मैम ने बोला था कुबड़ गुजरात में है डांडी, अब कुबड़ कहाँ है ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुबड़ बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वह स्थान जहां कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, मुंबई के गोवा में, मे फॉर महाराष्ट्र, ठीक है। अब आ जाते हैं वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ यूपी के पास। बस हाँ एक बात और, जब भूगोल का आप लोग करोगे बच्चा ना तो ये ऐसे साइन लगा हुआ होगा, ठीक है, जब आप लोग भूगोल का देखोगे ना, भूगोल का इसमें मेंशन नहीं है लेकिन उसमें है मॉडल पेपर में, ऐसे साइन बना हुआ होता है, चाहे ऐसे बना हुआ रहेगा चाहे ऐसे, तो आप लोग यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है, मैप में आप लोग फिल कर देना यहाँ पर, जैसे ये है ना ये तो ये लिख देना, सड़क मार्ग है कि बांध है कि नदियां हैं। अब जैसे ये है, ठीक है, ये है तो ये नदी का है, ठीक है, नदियां, तो ये आप लोग यहाँ पे साइन लिख के बना के और यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और जब भी कुछ भी भरना तो वन नंबर, जैसे मैं यहाँ वन नंबर भर रही हूँ तो वन नंबर पे लखनऊ, तो आप लोग यहाँ लखनऊ लिख देना, और जब कॉपी में लिखना तो कॉपी में भी आंसर नंबर वन लखनऊ होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, अगर वो है चंपारण है तो यहाँ पे चंपारण जब लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर आप लोग सही देना, मैप में भी, ये नहीं कि सिर्फ आंसर में, मैप में भी क्वेश्चन नंबर जो है वो सही देना, 1 2 3 4 5, जो भी 5 ही क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन मैप से आएगा, 5 क्वेश्चन इतिहास से, 5 क्वेश्चन भूगोल से, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आधा नंबर आपको लिखने पे मिलेगा, आधा नंबर आपको मैप में भरने पे मिलेगा। और डरो बिल्कुल नहीं, ठीक है, SST है इसलिए आप बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल मत डरो, आज की क्लास को जितना अच्छे से करोगे, और इससे पहले की भी जो क्लासेस, जैसे कल और परसों 4 और 5 को भी जो क्लासेस हुई थी, वो भी आप लोग जितने अच्छे तरीके से किए, SST का पेपर उससे भी सुपर से सुपर जाएगा। कल आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि SST का पेपर कैसा गया है, ठीक है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है, ठीक है। इसलिए मेहनत जो है वो बहुत ही इतनी ज्यादा करो कि किस्मत भी कह दे ले लो भाई तुम्हारा 95% है, लेके एकदम खुश हो जाओ, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही आशा करती हूँ, यही उम्मीद भी करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करो, ठीक है। इसके लिए कल के पेपर के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा से अच्छा पेपर करके आना, और एक बात याद रखना बच्चा कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चन लिख के आना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल हम लोग आप लोगों की खुशियों के साथ।